आज आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो क्योंकि मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीती बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था, और जब भी ये डर बढ़ता था, जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया,
मैं बात सुनता गया और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीबी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश, इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी, इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूट समय जवाब को मिलेगा, पूरा सूट समय देंगे सर, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर।
आप हमें मत रोकेगा फिर, आप हमें मत रोकेगा, आप हमें मत रोकेगा फिर, आप हमको मत रोकेगा फिर, हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा फिर। तो स्पीकर सर, स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करे, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है।
एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आप धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर।